विदिशा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा की पुण्यतिथि पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुण्यतिथि के अवसर पर निःशक्त जनों को भोजन कराया गया तो वहीं हिंदी भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज एसीटीआई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसीटीआई कॉलेज और सेंट मैरी कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में प्रोफेसर अरविंद द्विवेदी ने 90वां रक्तदान किया। भाई साहब को पूछो, बताइए कि 250 ग्राम वजन कम हो जाता है ना। हिमानी मानवड़े, आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज रणवीर चरण फ्रीडम फाइटर की 2nd पुण्यतिथि थी, इसीलिए ब्लड कैंप रखा गया था, तो मैंने भी ब्लड डोनेट किया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपना नाम बताइए। नमस्ते, मैं शिल्पी तोमर, इलेक्ट्रिकल विभाग एंड NSS प्रोग्राम ऑफिसर, SETI विदिशा, SETI डिग्री इंजीनियरिंग विदिशा से बात कर रही हूँ। यहाँ पर माननीय स्वतंत्र सेनानी रघुवीर शर्मा जी की पुण्यतिथि पर SETI NSS यूनिट द्वारा हमारे माननीय डायरेक्टर सर डॉक्टर YK जैन सर द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप कराया जा रहा है। ये समय समय पर हम 2-3 कैंप्स करते हैं। ये हमने स्वतंत्रता सेनानी जी की पुण्यतिथि में एक ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है, और पहले भी हम इस तरह की एक्टिविटी 55 यूनिट ब्लड 30 सितंबर को माननीय हमारे जो महाराज जी हैं उनके उस उपलक्ष में कर चुके हैं। और इस तरह की गतिविधियां समाज को लेकर SETI डिग्री हमेशा आगे रहता है, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे हेल्थ अवेयरनेस कैंप हो, चाहे वो गांव से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, तो ये हमारी संस्था में एक्टिवली होती ही रहती है। सर, यह हमारी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं NSS वॉलंटियर, वो ही ब्लड दे रहे हैं, और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, कुछ समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस तरह पिछली बार 55 यूनिट तक हमने ब्लड दिया था, अभी कुछ हायर सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बच्चों वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बाकी ये फर्स्ट ईयर पूरा हमारा इन्वॉल्व है। यहाँ पे 100 यूनिट NSS की बॉयज़ की है और 100 अलग गर्ल्स और बॉयज़ की है, तो 200 एक्टिवली हमारे NSS वॉलेंटियर्स हैं जो प्रत्येक डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। आज स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की दूसरी पुण्यतिथि है, द्वितीय पुण्यतिथि। मैं गोविंद देवलिया, जो उनके नाम से गठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने आज उनकी पुण्यतिथि को सुबह हिंदी भवन में सर्वप्रथम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। फिर 11 बजे हम लोगों ने कच्ची धर्मशाला में निःशक्त जनों को भोजन कराया, और तीसरे चरण में आज यहाँ SETI के कैलाश सत्यार्थी हाल में बच्चों के द्वारा और अन्य साथियों के द्वारा रक्तदान किया गया है। रक्तदान में सेंट मैरी कॉलेज, SETI कॉलेज, SETI का पॉलिटेक्निक विंग के छात्र शामिल हुए हैं, और सेंट मैरी के वाइस प्रिंसिपल श्री अरविंद द्विवेदी ने स्वयं भी 90वें बार, इसके पहले वो 89 बार रक्तदान कर चुके हैं, आज उन्होंने 90वें बार रक्तदान किया है। तो सभी रक्तदाताओं का, SETI के डायरेक्टर प्रोफेसर YK जैन का, KG किरार सर का,
और ब्रजेश प्रजापति इन सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें रक्तदान में कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने में सहयोग दिया, क्योंकि रक्तदान जीवनदान है ऐसा मेडिकल साइंस भी कहती है, और इन बच्चों का रक्त नामालूम किन जरूरतमंदों के काम आए, इसलिए मैं सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विदिशा की माटी के एक ऐसे सपूत जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जान की परवाह किए बिना हम सहयोग किया, उसी का प्रतिफल है कि आज हम सब लोग स्वतंत्र भारत में अपनी सांस ले पा रहे हैं। उनका जो जज्बा जुनून देश के प्रति था, ये निश्चित रूप से एक अनुकरणीय और अविस्मरणीय है। हमारे युवा पीढ़ी उनसे परिचित हो सके, उनके सत्कार्यों को जान सके, इसके लिए सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान में के NSS में श्री NSS प्रभारी किरार जी के सहयोग से एवं SATI के डायरेक्टर प्रोफेसर YK जैन के मार्गदर्शन में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, और ये रक्त जिला चिकित्सालय के उन मरीजों के लिए दिया जाएगा जिनको आवश्यकता होगी। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हिंदी भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं कच्ची भवन में निशक्त जन और वृद्ध जनों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया गया।